एम के सी एल हीरो लाइव का सेशन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। 14 के लाइव में जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर वाई लिखकर उसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद ओके करेंगे और उसे यस करने के बाद एंड एग्जाम कर देंगे। एंड एग्जाम करने के बाद ओके करेंगे और सेल्फ लर्निंग पाथ उसी के नीचे स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट होने देना है। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट करेंगे। वहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्शन टू ऐड द टेबल ऑफ कंटेंट टू यूर वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी फाउंड इन द इंसर्ट टैब। तो फॉल्स है, गलत है, टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट में नहीं आता। नेक्स्ट करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मेट प्री डिजाइन टेबल ऑफ कंटेंट आफ्टर इट हैज़ बीन इंसर्टेड। इंसर्ट होने के बाद उसको प्री डिजाइन नहीं कर सकते, तो फॉल्स है, कर सकते उसे मॉडिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड मोड, प्रिंट मोड, वेब लेआउट, ये सारे ऑप्शंस किस में आते हैं? तो व्यूज में आते हैं, फर्स्ट। नेक्स्ट है, क्रिएटिंग अ पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। एक्सपीएस या फिर पीडीएफ ऑप्शन कौन से, इसमें से कौन से ऑप्शन में आता है? तो प्रिजर्व इमेजेस में आएगा, इसे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल टू एडिट पीडीएफ डॉक्यूमेंट विदाउट ओपनिंग इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या मतलब ये पॉसिबल है एडिट करना पीडीएफ डॉक्यूमेंट को बिना ओपन करे? तो गलत है, पीडीएफ को वर्ड डॉक्यूमेंट में बिना ओपन करे नहीं कर सकते। इसे अब ये वीडियो ख़त्म होने देना है, फिर उसके बाद इसको करना है यस, होम पर जाना है। नेक्स्ट है, डू इट योरसेल्फ, इसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटरमार्क ऐड करना है कॉन्फिडेंशियल टू इस डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन टाइप के पेज बैकग्राउंड ग्रुप से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिज़ाइन टैब में जाना होगा, वहाँ पर वाटरमार्क और वहाँ से कॉन्फिडेंशियल टू लेना है और सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट करना है रेक्टेंगल टेक्स्ट टाइटल से और उसको चेंज करना है शेप कलर को रेड फॉर्मेट टैब से। तो रेक्टेंगल करना है जिसमें लिखा हुआ है टाइटल, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब उसको चेंज करना है शेप का कलर, तो फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल, वहां से रेड फॉर्मेट करना है, रेड पर क्लिक करेंगे। अब वहां से उसे सबमिट कर देंगे, ये भी सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट है, इन वन ऑन पेज नंबर वन, पेज नंबर वन पर सेलेक्ट करना है सारा टेक्स्ट बुलेट्स के साथ। तो पेज नंबर वन पर ये बुलेट्स यहाँ पर है, ये सबको सेलेक्ट करना है और इसको चेंज करना है बुलेट्स स्टाइल को नंबरिंग अलाइनमेंट में। तो यहाँ पर जाना है, ये नंबरिंग अलाइनमेंट ये है जिसमें से नंबरिंग अलाइनमेंट राइट लेना है। तो ये लेफ्ट है, यहाँ पर लिख कर आता है कर्सर रखने पर। तो हमें राइट वाला ढूंढना है, ये नंबरिंग अलाइनमेंट राइट है अंडर रिक्वायरमेंट जो है, और उसको बाहर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। तो ये भी सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट है, रिसाइज करना है पिक्चर बल्ब की फॉर्मेट में जाने के बाद साइज ग्रुप और कुछ वैल्यू डालना है। तो बल्ब पहले हमें सर्च करना होगा, बल्ब की इमेज ये दिखाई दे रही है, इमेज पर क्लिक करने पर उतना ही बॉक्स में जब आएगा तो एग्जैक्टली वो सेलेक्ट हुआ है। उसमें फॉर्मेट टैब में आना है ऊपर से और वहाँ पर साइज ग्रुप में कोई वैल्यू डालना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर 7 डालेंगे, यहाँ पर 9, और बाहर क्लिक करके सबमिट करेंगे। ये भी सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट है, रिमूव करना है रिफ्लेक्शन इफेक्ट पिक्चर का जो कि एम के अंदर आ रहा है। तो एम के अंदर जो पिक्चर है उस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, पिक्चर इफेक्ट्स में जाएंगे और वहाँ से रिफ्लेक्शन से नो रिफ्लेक्शन करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यू करना है डॉक्यूमेंट को रीड मोड पे, व्यू टैब के व्यू ग्रुप से, और कन्वर्ट करना है इसको एडिट मोड पे। पहले व्यू में आना है, व्यू टैब में, वहाँ से रीड मोड करना है और उसके बाद उसको एडिट मोड में एडिट डॉक्यूमेंट करना है। तो व्यू में आएंगे और एडिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे वापस से और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट करना है, सेट करना है डॉक्यूमेंट का साइज़ A4 पेज लेआउट के टैब से।
तो हम सबसे पहले यहाँ पर वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, उसको A4 साइज देना है और सेव करना है। तो पेज साइज में आएंगे, पेज लेआउट से पेज साइज, वहाँ पर A4 ऑलरेडी है वो किया हुआ, उसको आप सेव करना है। तो फाइल में जाएंगे, सेव एज, और वहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव करने ब्राउज में पहले क्लिक करेंगे। ब्राउज में क्लिक करने के बाद वहाँ पर ऑप्शंस आएगा, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये लिखना होगा हमें। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना होगा, अपेस्ट्रोफी आ रही तो निकाल देना है, सेव कर देना है और रिप्लेस कर देना है एग्जिस्टिंग फाइल, उसे हम सबमिट करेंगे। ये भी सक्सेसफुली हो गया है अटेम्प्ट, विंडोज 10 पर ये सारे अच्छे चलेंगे। सेलेक्ट करना है एक पिक्चर बल्ब की और उसको स्टाइल चेंज करना है बिवेल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर हम बल्ब की इमेज इस पर क्लिक करेंगे, बॉक्स वाली जो आई तब वह बराबर सेलेक्ट होंगी, उसको फॉर्मेट में जाएंगे, इफेक्ट्स में बिवेल में आना है और बिवेल पर्सपेक्टिव लेना है, या फिर यहाँ पर पिक्चर के स्टाइल में यहाँ पर जाएंगे बिवेल पर्सपेक्टिव, यहाँ पर नीचे राइट साइड में कॉर्नर पे आएगा लेफ्ट साइड से, उसे सबमिट कर देना है। तो ये सारे अटेम्प्ट हो गए सक्सेसफुली, इसको यस करके एंड एग्जाम कर देना है। एंड एग्जाम करने के बाद उसे कंफर्म करेंगे, ओके करने के बाद ये 100 out of 100 मिल गए। नेक्स्ट नॉलेज चेक स्टार्ट करना है, ये देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैबिट शुड यू डेवलप इन ऑर्डर टू अवॉइड लूजिंग फ्रेश चेंजेस दैट यू मेक इन योर डॉक्यूमेंट। फ्रेश चेंजेस जो होंगे तो उसको आपको सेव करते रहना होगा डॉक्यूमेंट को फ्रीक्वेंटली, फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है, यू हैव ओपन द बॉर्डर्स एंड शेडिंग विंडो, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट चेंजेस कैन बी मेड फ्रॉम दिस विंडो। इस विंडो में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो बॉर्डर्स एंड स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं इसमें, तो लास्ट वाला लेना है। नेक्स्ट है, आफ्टर इंसर्टिंग अ शेप, शेप इंसर्ट करने के बाद आप इसको थिनर करना है, तो इसमें से कौन से टाइप से आप उसे थिन कर सकते हैं, तो फर्स्ट लेना है, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है, कैन यू आइडेंटिफाई द ऑप्शन यू विल चूज टू ऐड अ थिकर बॉर्डर, आप थिक बॉर्डर लेना है इसमें से, तो इसमें से कौन से ऑप्शन से आप लेंगे, तो सेकेंड वाला ऑप्शन लेना है थिक करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन विल यू सेलेक्ट इफ यू वॉन्ट टू ऐड फिलिग्री कवर पेज टू योर डॉक्यूमेंट, तो लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर लिखकर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 लेना है। नेक्स्ट है, योर फ्रेंड तारा गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल लास्ट वीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस वुड यू गिव टू योर फ्रेंड फॉर द बेबी गर्ल। बेबी गर्ल के लिए उसे क्या बनाना होगा, तो रजिस्टर करना होगा बर्थ सर्टिफिकेट, इसे सबमिट करेंगे। यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एन ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है, तो न्यू यूज़र है आप वेबसाइट पर, तो आप कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ओपन करके देखना है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन तो लिखा है, लेकिन इसमें प्रॉपर वे कौन सा है, तो थर्ड है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, तो थर्ड लेना है। नेक्स्ट है, यू आर अबाउट टू कम्प्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन द पोर्टल, ऑल द डिटेल्स आर एडेड ऑन रजिस्टर्ड विंडो, विच लास्ट स्टेप यू विल फॉलो बिफोर कम्प्लीटिंग प्रोसेस। कम्प्लीट करना है प्रोसेस तो आप कौन सा लेंगे, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज फॉर एडिंग अ बर्थ रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इस्तेमाल होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट अलाउज यू टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट, सिग्निफिकेंस पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए कौन सा पॉइंट इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर से हम ले लेंगे सेकेंड ऑप्शन, ये इस्तेमाल होगा। अब इसे यस करेंगे और एंड एग्जाम करेंगे, इसे कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे, 100 out of 100। नेक्स्ट है, सेशन कंप्लीशन टेस्ट, इसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो सही है, ट्रू। नेक्स्ट है, बिटमैप इमेजेस आर ऑल्सो नोन एज रेस्टर इमेजेस, बिटमैप इमेजेस को रेस्टर इमेजेस कहा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन लेना है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वुड बी बेस्ट यूज्ड इन हॉस्पिटल टू मेंटेन अ पेशेंट्स मेडिकल डिटेल, तो पेशेंट की मेडिकल डिटेल के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, डैश प्रोग्राम्स अलाउ यू टू मिक्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स टू क्रिएट पब्लिकेशन फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग से हम
प्रोग्राम्स को अलाउ कर सकते हैं, तो यस करेंगे और एंड एग्जाम कर देंगे। एंड करने के बाद ये कंप्लीट हो गया और अब 15 वाला दूसरे दिन होगा। एक दिन में फिलहाल दो सेशंस होंगे और आप आपके मार्क्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये 13 पॉइंट ऊपर है तो मतलब 14 काउंट हो रहे हैं, 14 में से 14 मार्क्स। अगर ये कम होते हैं तो जब वो कम होगा विंडोज 10 पे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। थैंक यू।